हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने न्यू कोर्स के बारे में बात करनी जो कि आपके स्टेनोग्राफी का है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने स्टेनोग्राफी के कोर्सेज से स्टार्ट किया था। मैंने वहां पे काफी सारे लेक्चर्स को अपलोड किया था, लेकिन कुछ वजह से मैं लेक्चर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो मैंने अभी सोचा कि मुझे ये लैंग्वेज आती है तो एटलीस्ट मैं आपको सिखा दूं तो आपकी यहाँ पे मदद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो कोर्स है आपको पूरा फ्री में मिलेगा, क्योंकि देखिये अगर आप बाहर ये सीखने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। एटलीस्ट इसकी फीस जो है आपकी 1000 रुपीज है। तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज फ्री मिलेंगे। सिर्फ आपको इतना करना है कि इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उन लोग को यहाँ पे मदद हो सके, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे जो लोग स्टेनोग्राफी को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए कोर्सेज काफी मददगार होंगे। तो सिर्फ इतना करिएगा और सपोर्ट दोस्तों जरूर करिएगा। और दोस्तों देखिए, एक बात और है कि यहाँ पे जो मैं कोर्सेज है, जो लेक्चर्स है, आपको कॉपी पेन में बताऊंगी। आप पीछे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ट्राई करने की कोशिश करी थी पर यहाँ पे हो नहीं पाया। मुझे लगा कि देखिए जो स्ट्रोक्स हम बनाते हैं ना उसमें लाइन की जरूरत पड़ती है, तो मुझे लगा कि आपकी कॉपी में बताऊंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको देखिए इस तरह की आपको स्टेनो की कॉपी मिल जाएगी, मार्केट में 25 रुपए की कॉपी मिलती है। ठीक है, तो आप इसको ले लेना चाहते। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें आप देख सकते हो कि लाइंस बनी हुई है। ठीक है, लाइंस बनी है तो यहाँ पे आपको मदद मिल जाएगी कौन सा स्ट्रोक आपका अपवर्ड बनाना है, कौन सा डाउनवर्ड बनाना है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा। और उसके बाद एक आपकी स्टेनोग्राफी की इस तरह की पेंसिल आती है, उसमें स्टेनो लिखा होता है, तो ये 5 रुपए की आती है, तो इसको ले लेना। तो ये दोनों चीजें अपने पास तैयार रखिएगा, क्योंकि आपको लेक्चर्स आज मिलेंगे या फिर कल मिलेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जो लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूं मैं, ठीक है, तो उसको जरूर से देख लेना ताकि आपको और ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी हो जाए। आई होप कि यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, तो मैं आपको बता दूंगी चीजें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और लेक्चर्स को जरूर शेयर करिएगा।